दोस्तों 1 मार्च 2020 से आपका टीवी देखना यानी कि आपका डीटीएच का जो कनेक्शन का अभी तक चार्ज जा रहा है वो यहाँ पर सस्ता होने वाला है। करीबन 130 रुपये तक का फ़ायदा आपको होगा, 130 रुपये तक कम अब आपको पे करने पड़ेंगे। तो कौन सा नया रूल ट्राई के द्वारा यहाँ पर आया डीटीएच कनेक्शंस के बारे में, सभी डीटीएच ऑपरेटर्स के बारे में, वो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको आप प्रेस कीजिए और जो साइड में बेल आइकन आता है उस पर जो है आप क्लिक कीजिए और बाद में आप जो है ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले इंडियन जुगाड़ टैग पर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अब आपका डीटीएच देखना यहाँ पर सस्ता होने जा रहा है। आप कोई भी डीटीएच कनेक्शन यहाँ पर यूज़ करते हो, एयरटेल डीटीएच यूज़ करते हो, डिश टीवी, डी2एच या आप सन डायरेक्ट यूज़ करते हो, कोई भी डीटीएच कनेक्शन आप लोग यूज़ करते हो तो अब आपको करीबन 130 रुपये से भी ज़्यादा यहाँ पर जो है हर महीने कम पे करना पड़ेगा। आप लोगों को पता है पिछले साल जो है यहाँ पर जो ट्राई है उनके द्वारा एक नई जो है यहाँ पर जो है डीटीएच पॉलिसी आई थी जिसके अंदर आपको करीबन जो है फरवरी के अंदर ये लॉन्च की गई थी, तो 130 रुपये आपको पे करने पड़ रहे थे 100 फ्री टू एयर चैनल्स के लिए और ये NCF चार्ज बोला जा रहा था जो कि करीबन आपको GST मिलाकर जो है करीबन 154 रुपये के आसपास पड़ता था, यानी कि आपको पहले 100 चैनल्स के लिए अभी तक 154 रुपये पे करने पड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर ट्राई ने इसमें चेंज किया है, जितने भी आप फ्री टू एयर चैनल्स यहाँ पर देख रहे हैं तो बताया जा रहा है कि अगर आप लोग जो है 200 फ्री टू एयर चैनल्स यहाँ पर देखते हैं तो अब आपको वही 130 रुपये यहाँ पर पे करने पड़ेंगे, यानी कि करीबन 154 रुपये में आपको 200 यहाँ पर फ्री टू एयर चैनल्स मिलने जा रहे हैं। पहले आपको 100 जो है फ्री टू एयर चैनल्स के लिए 154 रुपये पे करने पड़ रहे थे, लेकिन अब आपको 200 चैनल्स मिलेंगे केवल 154 रुपये में। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले अलग अलग जो आप चैनल्स लेते थे तो हर आपको 25 चैनल्स के लिए जो है 20 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते थे, चाहे वो आपको फ्री टू एयर चैनल्स ही क्यों ना हो, तो उनके लिए भी हर 25 चैनल के लिए आपको अलग से 20 रुपये पे करने पड़ते थे। यानी कि आप 100 चैनल से ज़्यादा अगर कोई भी फ्री टू एयर चैनल यहाँ पर सेलेक्ट करते थे तो आपको एक्स्ट्रा 20 रुपये जो है यहाँ पर देने पड़ जाते थे हर 25 चैनल पर। यानी कि अगर आप 200 चैनल तक यहाँ पर जाते थे तो करीबन आपको जो है यहाँ पर जो 80 रुपीज़ है दोस्तों वो यहाँ पर फालतू देने पड़ जाते थे, लेकिन अब आपका ये सारा काम जो होने वाला है वो 154 रुपये में होने वाला है। 154 रुपये में आपको 200 फ्री टू एयर चैनल्स मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर आप जो है एक ही कनेक्शन पर जो है मल्टी कनेक्शन लेते हैं, यानी कि सेकेंड कनेक्शन भी उसी नाम से लेते हैं, उसी कनेक्शन पर लेते हैं, तो अब आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज देना नहीं पड़ेगा, केवल आपको 40% जो है NCF फीस देनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, केवल अब आपको 40% देनी पड़ेगी। पहले आपको पूरी जो NCF फीस है दोस्तों वो यहाँ पर देनी पड़ रही थी, लेकिन अब ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला है। और यहाँ पर बताया जो अभी तक आपको चैनल बुके मिलते थे दोस्तों उनमें भी बदलाव किया गया है, अब सिर्फ आपको जो 12 रुपये या इससे कम वाले चैनल होंगे वही बुके में दिए जाएंगे और इससे ज़्यादा वाले जो चैनल होने वाले हैं, जैसे अभी तक आपको काफ़ी ज़्यादा चैनल्स ऐसे थे जो 19 रुपये में मिल रहे थे तो वो अब बुके में शामिल नहीं किए जाएंगे। यानी कि अब आपको जो है काफ़ी सस्ते चैनल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे और जो बुके होने वाला है वो भी अब आपको काफ़ी सस्ता होने वाला है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से जो बदलाव है वो यहाँ पर किया जाने वाला है 1 मार्च 2020 से, जहाँ पर आपको सभी फ्री टू एयर चैनल्स देखने को मिलेंगे करीबन 154 रुपये में, यानी कि करीबन 200 टीवी चैनल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में मल्टी टीवी कनेक्शन भी आपका सस्ते होने वाला है और यहां पर जो बुके पैक अभी तक चल रहे थे वो भी यहां पर सस्ते होने वाले हैं। तो दोस्तों ये कुछ यहां पर न्यूज निकल कर आ रही है आज डीटीएच ऑपरेटर्स की तरफ से। कैसा लगा हमारा ये वीडियो और आप कौन सा यहां पर डीटीएच ऑपरेटर यूज करें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना।